मराठा आणि धनगर समाजाच्या नाराजीला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस स्वतः जबाबदार आहेत. सत्तेत येण्यापूर्वी त्यांनी या दोन्ही समाजाला आरक्षण देण्याचे कबूल केले होते. त्यामुळे या दोन्ही समाजांची नाराजी स्वाभाविक असल्याचे सांगत काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते दिग्विजय सिंग यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर शरसंधान साधले. मागील अनेक वर्षांपासून दिग्विजय सिंह आषाढीला पंढरपूरला दर्शनासाठी जातात. यंदाही दर्शन घेऊन त्यांनी पुण्यातील पत्रकारांशी बातचीत केली. मुख्यमंत्री विठ्ठलाच्या पूजेला दरवर्षी उपस्थित राहतात. यंदा मात्र भाजपचा कोणीही मंत्री नव्हता. मुख्यमंत्री विठ्ठलाचे भक्त असतील तर त्यांनी पंढरपूरला पूजेसाठी यायला हवं होतं. हे लोक एवढे का घाबरतात असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला. ओवैसी जो है वो जिस प्रकार से बीजेपी धर्मांध हिंदू धर्म की राजनीति कर रहे हैं, धर्मांधता फैलाकर राजनीति कर रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं, उसी प्रकार से ओवैसी मुसलमानों में धर्मांधता फैलाकर ये नफरत फैलाने वाली राजनीति कर रहे हैं. ये दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं. कि मेरे लिए तो पंढरपुर जाना कोई राजनीतिक मसला नहीं है, ये मेरे निजी आस्था का प्रश्न है. मुख्यमंत्री जी आज जो मराठा एजिटेशन, धनगढ़ एजिटेशन का सामना कर रहे हैं, उसके लिए स्वयं जो जिम्मेदार है, उन्होंने खुद ने भाजपा के नेता के रूप में आश्वासन दिया था कि मैं एक महीने में सब कर दूंगा. तो अब मराठा लोगों में और धनगर लोगों में उनके प्रति नाराजी होना स्वाभाविक है. लेकिन अगर मुख्यमंत्री जी विठोबा के प्रति समर्पित है तो उन्हें जाना चाहिए था, क्योंकि ये परंपरा है कि प्रदेश का मुख्यमंत्री और एक साधारण व्यक्ति वाकरी जिसका कि अलॉटमेंट लॉटरी से निकाला जाता है, वो आषाढ़ी एकादशी को अभिषेक करते हैं, उसमें उन्हें शामिल होना चाहिए था. कोई मंत्री नहीं था भाजपा का, कोई मंत्री नहीं था, इतने डरते क्यों हैं ये लोग.